जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों का रिसीवर सी लाइन लगाने के बाद टिप कर जाता है तो उन्हें चाहिए कि अपने रिसीवर को ये मल्टी मीडिया में जाकर ओपन करें। ये देखें, ये शेयरिंग है। शेयरिंग के नीचे जितने भी ऑप्शन होते हैं, गोडा हो, डीएसकेम हो, या फिर स्मार्ट केम हो, वी लैन हो, यूएसबी अपग्रेड हो, जितने भी ऑप्शन हो इस शेयरिंग के नीचे, आपने उनको तमाम को ऑफ़ कर देना है। जब ये तमाम ऑप्शन ऑफ होंगे तो सी लाइन कनेक्ट करने के बाद आपका रिसीवर कभी भी ट्रिप नहीं करेगा, कभी भी रीस्टार्ट नहीं होगा। अगर ये तमाम फंक्शन ऑन होंगे तो फिर आपका रिसीवर जैसे ही आप सी लाइन को कनेक्ट करेंगे तो वो बार बार ऑन ऑफ होगा। बेहतर है कि सी लाइन लगाने से पहले शेयरिंग के नीचे जितने भी ऑप्शन होते हैं, चाहे वो स्मार्ट केम हो, डीएसकेम हो, गोडा हो, या वी लाइन हो, या यूएसबी अपग्रेड हो, तमाम को आपने ऑफ कर देना है। तो फिर आपका आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा।